हालेलुया परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। आओ कढ़ांगे यशाया 41 दी 10। यशाया 41 दी 10 क्या यशाया 41 दी 10 विच लिखिया, ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना काबर मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ मैं तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेह मन सच्चे हाथ नाल संभालांगा। वेखो वह जो तेरे नाल गुस्से हन शर्मिंदे होणगे अते उन्हां दे मूंह काले हो जाणगे, अते वह जो तेरे नाल लड़दे हन ना जिहा जिके हो के नाश हो जाणगे। जो तेरे नाल झगड़दे हन तू उन्हां नूं भाड़ेगा पर पावेगा ना, जो तेरे नाल युद्ध करते हैं वह ना जिहा हो गए सगो नेस्ती जिहे होणगे। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हाँ, तेरा सज्जा हाथ फड़ी बैठा हाँ, मैं तेनों आखता हाँ ना डर मैं तेरी सहायता करांगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदावंद का पढ़े हुए वचन के लिए। आओ प्रार्थना करते हैं। सचमुच मेरे महान पिता तेरा वायदा है खुदावंद प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह तू साडी रक्षा करता है। खुदावंद प्रभु जी क्या है ना डर सच्चे प्रभु यीशु मसीह तो अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम किसी को ना डरो क्योंकि तेरा आत्मा साडी गवाही करता है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे महान पिता शुरू तो लैके हुण तक विरोध हुंदा आया है तो विरोध चलता रहेगा, युद्ध हुंदा आया है तो युद्ध चलता रहेगा खुदावंद। लेकिन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह असीं तेरा शुक्रगुजार करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन्हां विरोध परेशानियां दुखां दे विचों निकलते हुए खुदावंद एक योद्धे दे वांग प्रभु यीशु मसीह असीं मेरे महान पिता तेरे वचन की फतेहमंद तलवार लैके खुदावंद प्रभु जी शैतान दे प्रभु यीशु मसीह उन्हां हथियारां दे नाल लड़ांगे खुदावंद क्योंकि तू सानूं कह रहे ना डरो। साचे प्रभु यीशु मसीह शैतान को भी हथियार हन खुदावंद, शैतान भी हथियार दे नाल लड़दा है लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिदे कोल वचन की तलवार है वह शैतान के हथियारों तो जित जाता है खुदावंद। इस करके प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ प्रभु जी, तेरा वायदा साडे नाल है खुदावंद, तू क्या है ना डरो मैं ताड़ा परमेश्वर हाँ ताड़ा खुदा हाँ। साचे प्रभु यीशु मसीह सानू तेरा सहारा है खुदावंद, सानू किसी मनुख का सहारा नहीं है प्रभु यीशु मसीह। तो अपनी दुल्हन की गवाही कर प्रभु जी, अज का संदेश खुदावंद हरेक के हिरदे को शुद्ध दे, दया कर कृपा कर जिन्हें बीमार परेशान हैं खुदावंद सबना से प्रभु जी वड्डी दया करनी है कृपा करनी है प्रभु यीशु मसीह क्योंकि तेरा वायदा सच ते अमीन है खुदावंद। तू दया कर कृपा कर तेरे सामर्थ्य नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन हालेलुया। असीं पढ़िया आ यशाया 41 दे विच लिखिया आ ना डर मैं तेरे अंग संग खुदा ने वायदा किया कहिंदा तुसीं डरना नहीं आ, डरना नहीं आ, घबराना नहीं आ, कहना मैं तुहानूं जोर बख्शांगा तुहाडी सहायता करांगा। हो सकदा लोग तुहाडे नाल लड़न क्योंकि जदों कोई वचन दे अनुसार चलदा आ उहदा विरोध हुंदा आ। असीं बाइबल च देखदे विरोध हुण तों नहीं शुरुआत तों हुंदा आ, अदन दे बाग दे विचों विरोध शुरू होया जदों शैतान हवा दे कोल गया। उह इक विरोधी दुष्ट आत्मा सी जिहने हवा नूं भरमाया गलती करवाई ते कित्थे चले गए अदन दे बाग दे विचों बाहर चले गए खुदा दी महिमा दे विचों बाहर चले गए। इसे तरह जदों कैन सीगा जिहड़ा कैन सी कैन ने की कीता हाबल दा विरोध कीता, इह विरोध हुण तों नहीं चलदा आ रिहा, इह विरोध शुरुआत तों ही क्योंकि विरोध कौन करदा आ, युद्ध कौन करता है खुदा दे लोकां दे नाल, शैतान शैतान दा ही काम आ। वह खुदा दे लोकां दा विरोध करता है, उन्होंने तंग करता है, सतांदा है, यह शैतान दा काम आ। क्योंकि कदे भी कोई आत्मा पाया होया मनुख किसी आत्मा पाए हुए मनुख नूं तंग नहीं करता, यह निशानी होती है। वचन वचन का विरोधी नहीं हुंदा कदे भी, पवित्र आत्मा पाया होया मनुख कदे भी पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख का विरोध नहीं करता। जिस तरह असीं वेखदे हां कैन वह भी भगती करता सी, वह भी दिखावा करता सी, मैं बहुत आत्मिक भेटा चढ़ाता सी, सब कुछ करता सीगा लेकिन खुदा ने उहदी भेट नूं स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह कौन सी, कैन विरोधी दुष्ट आत्मा सी। उहने अपने भरा हाबल नूं मार सुट्टिया क्रोध के कारण क्योंकि जिदा का जीवन हाबल का सीगा उहो जिहा जीवन कैन का नहीं सीगा क्योंकि बीज दे विच फर्क सीगा, जिहड़ा कैन सी ओह अपने पिता शैतान तो सीगा ते हाबिल खुदा दे वल्लों पैदा होया मनुख सीगा। इस करके इह विरोध शुरू तो चलदा आ रहा लेकिन खुदा ने साडे नाल इक वायदा किया यशाया 41 दी 10 दे विच उहने वायदा किया अपने लोकां दे नाल, वायदा शुरू तो ही आ। लेकिन असीं पढ़ रहे हां यशाया 41 दी 10 इहदे विच असीं इक वायदे नूं पढ़ रहे हां जदों कह रहे हां ना डर मैं तेरे अंग संग हां, कहिंदा तुहानूं डरन दी लोड़ नहीं आ,
लोग ताड़े दा विरोध करन जो मर्जी करन तुहानू कोई डरन दी लोड़ नहीं लोग ताड़े नाल लड़न झगड़न कहिंदे ओह नाश हो जाणगे खुदावंद उहनां दा नाश करेगा क्योंकि जे कोई खुदा दी आखरी पुतली नूं छेड़दा आ ते खुदावंद बर्दाश्त नहीं करदा इह विरोध शुरुआत तो चलदा आया विरोध किदा किदा नहीं होया हरेक नबी रसूल दा विरोध होया क्योंकि बाइबल सानू इसे तरह दसदी आ कैन ने हाबल दा विरोध किया क्योंकि वह अपने पिता शैतान तो सी नूह दा विरोध होया जदों उहने प्रचार किया भी वर्खा आने वाली आ किश्ती दे अंदर आ जाओ तौबा कर लो लेकिन कोई भी किश्ती दे अंदर नहीं आया नूह दा विरोध होया अब्राहम दा विरोध होया किदा विरोध नहीं होया असीं देखदे आ बाइबल दे विच बहुत सारे लोग आ जिन्हां दा विरोध हुंदा आया शुरुआत तो ही विरोध हुंदा आ रहा है अब्राहम दा विरोध होया यकूब दा विरोध होया एसाऊ दे द्वारा यकूब नूं भी दुखां परेशानियां चों निकलना पिया असीं वेखदे आ यूसुफ दा विरोध होया यूसुफ नूं उहदे भरावां ने जेल दे विच पवा दित्ता क्यों ईरखा करके क्योंकि यूसुफ यीशु मसीह दा नमूना सीगा भाई ब्रैनम ने कहा साडे युग दे नबी ने कहा यूसुफ यीशु मसीह दा नमूना सीगा उहदा नमूना सीगा उहदा विरोध होया क्योंकि वह आत्मिक रीति दे नाल चलदा सी वचन दे अनुसार जीवन बतीत करदा सीगा पाप ते पवित्रताई दे विच चलदा सीगा उहदा विरोध होया ते की कीता गया उहनूं जेल दे विच पवा दित्ता गया लेकिन एक दिन फिर फिरौन दे सज्जे हाथ वह विराजमान हो गया उहनूं राज मिलिया उहनूं उस जगत दा उस देश दा गवर्नर बना दिता गया लेकिन विरोधता दे विचों निकलदे होए मेरे कहण दा मतलब अज भी विरोध हो रहा है जे उस समय विरोध होया सी रसूलां दा विरोध होया नबियां दा विरोध होया यीशु मसीह दा विरोध होया साडे युग दे नबी भाई विलियम मैरिन ब्रैनम दा विरोध होया ते जरूर है उहदी दुल्हन दा भी विरोध होवेगा उहदी दुल्हन दे खिलाफ भी लोकां ने खड़े होना है क्योंकि साडे युग दा नबी कहिंदा आ साडा विरोध क्यों हुंदा क्योंकि असी यीशु मसीह दे रिश्तेदार हाँ वो साडा पिता है साडा भाई है साडा रिश्तेदार है साडा मुक्तिदाता है साडा खून दा रिश्ता यीशु मसीह दे नाल इस करके साडा विरोध होना ही होना आ इस करके विरोध होना क्योंकि बाइबल बयान कर दी आ जिन्ने मसीह यीशु विच भगती करनगे सब दे सब सताए जाणगे अज तुसी वेखो लोग संदेश दे विच आंदे हन ते की उहनां दा विरोध नहीं हुंदा घरां विच रिश्तेदारियां विच उहनां दा विरोध हुंदा है लेकिन उस तो पहलां क्यों विरोध नहीं सी होया जदों मनुख पाप दे जीवन विच हुंदा कोई विरोध नहीं करदा उह शराब पीवे गाणा कड्ढे आरामकारियां करे कुछ भी करे लेकिन जदों यीशु मसीह दे लहू च कोई नाता जांदा आ धो दित्ता जांदा उहदा विरोध शुरू हो जांदा है घर परिवार दे विच उहदा विरोध शुरू हो जांदा बच्चिआं द्वारा उहदा विरोध शुरू हो जांदा है रिश्ते द्वारा माँ प्यो भैण भरावां द्वारा उहदा विरोध शुरू हो जांदा आ इह सब दुष्ट आत्मे हन जो विरोध करदे आ हुण कैन भी खुदा दी भगती करदा सीगा खुदा नूं खुश करन दे लई उहने भी बहुत कुछ किया उन्हें भी भेड़ चढ़ाई लेकिन खुदा ने उसकी भेड़ स्वीकार क्यों नहीं की मानता तो भी खुदा नहीं सीखा लेकिन हाबल की भेड़ स्वीकार की थी क्योंकि हाबल प्रकाशन के द्वारा भेड़ चढ़ा रहा सीगा खुदावंद उसे भगती को पसंद करता जड़ी भगती प्रकाशन के द्वारा की जाए अखा बंद करके भगती नहीं होंगी कि प्रार्थना कर ली यीशु मसीह का नाम ले लिया अज लोग सोचते उन्हों को बरकत है गड्डिया आ मोटर आ वो कहते असी प्रार्थना करते हैं दुष्टात्मे भी निकल जाते हैं लोग सोचते आ भी असी खुदा नूं पा लिया है ये खुदा नूं पाना नहीं हुंदा ये खुदा नूं इस्तेमाल करना हुंदा है वचन नूं कट के किदां कोई वचन नूं पा सकता है वचन नूं कट के कदे भी कोई मनुख आत्मिक नहीं हो सकता एक मनुख वचन नूं कटदा आ फिर वह कह दिंदा आ कि मैं खुदा नूं मानता इस तरह नहीं हो सकता वचन नूं कट के वचन नूं कटण वाला मनुख कदे भी आत्मिक नहीं है ठीक आ वह इस्तेमाल करन वाला हो सकता अज असीं वेख रहे हां संसार विच लोग वचन नूं इस्तेमाल ही कर रहे हैं वड्डे वड्डे चर्च बना के बहुत सारिया लखां दीआं भीड़ां ने हजारां दी भीड़ां ने चर्च दे विच वह सोचते आ साडे प्रचार करन दे द्वारा चंगियाईयां हो रही आ
दुष्ट आत्मे निकल रहे हैं वो सोचते हैं लोग भी असी खुदा नूं पा लिया है। इस तरह नहीं है। जो यीशु मसीह इस धरती तो गया अपने चेलियां नूं कह के गया सी कहिंदा जो मेरा पवित्र आत्मा आवेगा मेरिया कई हुई गल्लां तुहानूं सिखावेगा। जे ओहदियां कई हुई गल्लां ते कोई विश्वास नहीं करता वो किस तरह आत्मिक हो सकता है। जो खुदा का वचन कहा गया है जो अनुसार उस मनुख का जीवन नहीं है वह आत्मिक मनुख नहीं हो सकता। साफ पता लगता कैन की वंश क्योंकि कैन की वंश वचन को कट दिंदी है। खुदा की वंश वचन नहीं कटती। इब्राहिम ने कदे वचन नहीं कटिया। यूसुफ ने कदे वचन नहीं कटिया। दानियल शरदक मेशक अबेदनगो बड़े खुदा के लोग सके जिन्होंने वचन नहीं कदे कटिया क्योंकि वह वचन के अगे सिर झुकाते क्योंकि वह खुद वचन सी। यीशु मसीह उन्होंने अंदर देहधारी सीगा। यीशु मसीह ही उन्होंने अंदर सीगा क्योंकि वचन ही खुदा है। तो खुदा जो मनुख के अंदर आ जाता है वचन जो किसी मनुख के अंदर आ जाता तो छोटा लौड़ बन जाता है। इब्राहिम छोटा लौड़ सीगा। यूसुफ छोटा खुदा सीगा। इस तरह खुदा अपन अपने लोगों को इस्तेमाल करता। लेकिन असं देखते हैं विरोध हर पासे वचन का विरोध हों आया तो अज भी इस तरह आया वचन का विरोध हो रहा है क्योंकि वचन जिदे अंदर चला जाता है उन्हों अपने कब्जे में लै लेता है फिर मनुख अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इस करके जेड़ा वचन विरोधी है शैतान का बीज है विरोध करना शुरू कर दिता है। लेकिन अज लोग सोचते भी असं वचन को इस्तेमाल करके शायद खुदा को पा लिया। वचन इस्तेमाल करने कोई खुदा को पा नहीं लगता कि प्रार्थना कर ली आ बच्चे बाहर चल गए काम हो गए बीमारियां चंगी हो गई तुम खुदा को पा लिया। इस तरह नहीं होंगे। जो तक कोई वचन के अनुसार जीवन उद्दीप नहीं करता कोई प्रार्थना वोदे कोल ही कोई प्रार्थना होंगे। जेड़ा मनुख वचन पहल दिता है जेड़ा कहता प्रभु जी जो तू कहा मैं उही करूँगा उही मनुख वचन के अनुसार होंगे है। बाकी सब लोग गलत हैं वचन के अनुसार क्योंकि वचन की करता वचन सही नू सही ते गलत नू गलत ठहरा दिता है। ये वचन की क्वालिटी वचन के अगे कोई भी बंदा गलत मुखुटा लैके खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वचन की करता है तुहाडे अंदरले हिस्से नू चेक करता है। मनुखता बाहर का हिस्सा वेखता है लेकिन वचन हिरदे नू वेखता है अंदरों चैक करता बंदे नू वचन। इस करके अज की है जिहड़े लोग खुदा की सेवकाई में खड़े आ विश्वासी लोग हैं उन्हों का सामना हमेशा शैतान के नाल हुंदा रहता है। जे किसी मनुख का सामना जे अज कोई कहता मैं योद्धा हाँ खुदा का योद्धा हाँ खुदा का योद्धा उही हुंदा जिहदी झड़प शैतान नाल हुंदी रहे। तंगिया मुसीबतों के निकलने वाला मनुख ही योद्धा हुंदा है। योद्धा वह नहीं हुंदा जिहड़ा कहे मैं तो प्रभु दे विच आ गया हुण तां बहुत ऐश आ बरकत ही बरकत आशीषा ही आशीषा है कोई टेंशन नहीं है। नहीं जदों कोई मनुख खुदा दे वचन नूं ग्रहण कर लैंदा है उस समय की हुंदा आ उस समय वह योद्धा बन जाता तो योद्धे दे कोल तलवार हुंदी आ ते वह हमेशा लड़ाई के मैदान दे विच हुंदा एक आत्मिक मनुख लड़ाई के मैदान दे विच हमेशा रहिंदा है हमेशा उहदा विरोध हुंदा रहिंदा कदे वड्डियां लड़ाइयां कदे छोटियां लड़ाइयां शैतान दे नाल हुंदियां ही रहिंदियां है। जे कोई कहिंदा आ मेरी शैतान दे नाल कोई लड़ाई नहीं है लेकिन मैं एक आत्मिक योद्धा हाँ जे कोई इस तरह कहिंदा आ ते उहदे अंदर ही शैतान है क्योंकि साडे युग दा नबी कहिंदा जे शैतान तुहाडे मगर नहीं आ फिर उह तुहाडे अंदर बैठा होया है। लेकिन जिहदे मगर शैतान पिया रहिंदा आ इहदा मतलब इह आ युद्ध चल रहा है युद्ध जारी आ। इस करके मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा जिहड़ा ग्रोह दा जिहड़ा युद्ध आ उह शुरू तो ही चलता आ रहा है हुण तक चल रहा है। मैं तुहानूं दस्सिया हावल का विरोध होया नूह का विरोध होया इब्राहिम का विरोध होया यूसुफ का विरोध होया मूसा का विरोध होया किहदा विरोध नहीं होया। मूसा कौन सी छोटा लौड सीगा छोटा खुदा सीगा वचन उहदे अंदर सी की विरोध नहीं होया विरोध होया। खुदा ने उन्हूं कहा लाठी फड़ ते मेरे लोगों नूं बाहर कढ के लै आ। लाठी की आ लाठी खुदा का वचन आ जो चढ़ती आ तो किसका लिहाज नहीं लैंदी खुदा का वचन किसी का लिहाज नहीं लैंदा। चाहे बहुत सारिया कंडीशन परेशानियां सीगियां लेकिन खुदा अपने लोगों मिस्र के बाहर कढ के लै आया भावें लाल समुंदर अगे सीगा लेकिन
लेकिन नाल समुंदर भी उहदा लोकां नूं रोक नहीं सकिया क्योंकि खुदा दा वचन खुदा दी लाठी मूसा दे अंदर सी। ते जदों किसी दे अंदर अंदर वचन है ते उहदा विरोध भी होवेगा, विरोध होना ही होना है। लेकिन जे अज कोई सोचता है भी प्रार्थना करन दे नाल गड्डियां मोटरां मिल गईयां या बरकतां मिलन दे नाल कोई आत्मिक बन गया, ये आत्मिक पण दी कोई निशानी नहीं। मनुख आत्मिक उदों बनता जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता, जो यीशु मसीह के नाम से बसमा होंदा, पवित्र आत्मा का दान मिलता, उदों बंदा आत्मिक बनता। फिर खुदा नूं सिखांदा अपनियां कईयां होईयां गल्लां भी किदां दा जीवन बतीत करना। इस करके अज लोग आत्मिक लोगों का विरोध करी जाते, उन्होंने पता ही नहीं लगता। तो खुदा ने कहा जो यीशु मसीह धरती से सी, उन्हें कहा सीगा मनुख के पुत्र के खिलाफ कई कई गल की माफ़ी है, लेकिन जे कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कुफर बके उन्हों ना इस युग दे विच ना आने वाले जहान दे विच माफ़ी है। तुहानू पता आने वाला जहान किहड़ा सीगा जिदे विच अज असी खड़े हाँ, ये वो आने वाला समा सी, आने वाला जहान सीगा जिदे विच खड़े हाँ, क्योंकि यीशु मसीह कहिंदा सी ना इस युग दे विच माफ़ी ना आने वाले युग दे विच जहान दे विच माफ़ी मिलेगी। उस समय माफ़ी नहीं मिली, यीशु मसीह ने बुरा भला कह के सलीब ते टंग दिता, उन्होंने शैतान कहा गया, उसका विरोध किया गया, उन्होंने सलीब ते टंग दिता गया। लेकिन जो पत्रस के अंदर पवित्र आत्मा आया पेंतेकोस्त दिन, तो पत्रस ने की किया, हनन्याह शफीरा ने पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप किया, तो पत्रस के कहण के अनुसार हनन्याह शफीरा मारी गई, क्योंकि पत्रस के अंदर कौन बोलिया पवित्र आत्मा, क्योंकि पत्रस कहता सीगा तुसी पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोलिया। इस करके खुदा कहता पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वाले नूं माफ़ी नहीं मिलेगी। तो अज भी जिन्हें लोग पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए आ, मैं चैलेंज करके बोलता जे कोई भी कुफर बगेगा उन्हों माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं मिलेगी। इस करके अज बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए है। अज हर कोई मनो किसी नूं कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई सेवक सेवका ही करता, कोई विश्वासी अपने विश्वास से चलता, आम ही लोग उन्होंने बोल के चल जाते कुछ भी, लेकिन यदि माफ़ी नहीं है। लेकिन यह हुंदा है तो हुंदा रहेगा जदों तक यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर नहीं जाता। यह विरोधी दुष्ट आत्मावां इस तरह ही काम करदियां रहणगियां, क्योंकि शुरू तो ही हो रहा, यह युद्ध शुरू तो चलता आ रहा है, तो जो तक दुल्हन इस स्थान चो चली नहीं जाती यह युद्ध जारी रहेगा, यह लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन मैं तुम दसना चाहना खुदा जो कहता है, जो उन्हें इशाया क्यारे विच कहा भी ना डर मैं तेरे अंग संग हाँ, मैं तेन फतेहमंद सज्जे हाथ के नाल संभालांगा, एक खुदा का वादा है। जिन्नी मर्जी तकलीफ दुख आवे, जो कि असी अपने आप को विश्वासी कहने हाँ, कोई भी कंडीशन आवे, कोई भी दुख दर्द आवे, विश्वास को डोलन नहीं देना, विश्वास को डोलन नहीं देना। हर एक बुराई का सामना करो, हर एक तकलीफ का सामना करो, लेकिन ताड़ा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने सताना है, लोगों का काम ही सताना है। सताया किनू जाता है? सताया हमेशा खुदा के बीज को जाता है, और किसी नहीं सताया जाता, क्योंकि इस तरह परख होंगी है भी एक खुदा के लोग हैं जिहड़े सताव के विचों निकलते हैं, क्योंकि खुदा के लोग वायदे वाल वेखते हैं, सताव के वाल नहीं देखते भी सानू कौन सता रहा, असी खुदा के वायदे वाल देखते भी खुदा कहता जे तुसी सो भी जावो तो फिर खड़े कर दिते जावोगे, खुदा का वायदा है। जे कोई संसार को छड़ के चला भी जाता है, धरती को छड़ के भी चला जाता, खुदा बंद उन्हें फिर खड़ा कर देगा, ये खुदा का वायदा। इस करके खुदा के लोग वायदे वाल देखते हैं, इस करके अज विरोध ही विरोध हो रहा है, हर पास विरोध है, हर पास विरोध है। एक आत्मिक मनुख का विरोध सब तो पहलों वो परिवार के शुरू होना है, क्योंकि जोड़ा कैन सीगा जे असं एक शरीरक रीति के नाल देखते हैं तो कैन उस माँ के द्वारा जन्म लिया हुआ बच्चा सीगा, जिदे माँ के द्वारा हावल ने जन्म लिया, हवा के द्वारा ही कैन से हावल पैदा हुए थे, बीज अलग से लेकिन माँ एक ही सी। शरीरक तौर पर दोनों भरा सके, बाइबल बयान करती है, उन्हें अपने भरा वढ सुटिया। इस करके बीज नू चेक करना है भी अज जे कोई मनुख अपने आप को आत्मिक कह रहा है, तुहानू अपना भरा दस रहा, अपनी भैन दस रहा, उहदा बीज चेक करो भी इहदा बीज खुदा वल्लों है या शैतान वल्लों है।
बीज ही प्रगट करता है। और तुसी देखो जमीन दे विच बीज बीजा जाता है, कणक बीजदा है तो कोई कणक ही बढ़ता, जे कोई कंडे बीजदा तो कंडे ही बढ़ता है, बीज तो पता लगता है, फड़ा तो पता लगता अगे जाके भी की है। इस करके जो कैन ने अपने भरा नूं मार सुटिया तो पता लग गया, उहदा प्रगटावा हो गया भी वह शैतान का बीज सी। इसे तरह जे अज तुहाडा कोई विरोध कर रहा तुहानूं घबराण की लोड़ नहीं, ताड़े परिवार दे विच्चों ताड़े भैण भाई विरोध कर रहे हैं, माँ प्यो विरोध कर रहे हैं, ताड़े बच्चे विरोध कर रहे हैं, कोई भी विरोध कर रहा है, वो साफ पता लगता है भी बीज हो सकता ताड़ा खून का रिश्ता होवे, लेकिन नबी ने कहा तुसी यीशु मसीह दे रिश्तेदार हो। हुण दावा तो वो लोग भी करते भी असीं भी खुदा दे बच्चे हैं, फिर विरोध क्यों? विरोध इस करके क्योंकि बीज दे विच फर्क है, तुसी किसी होर बीज दे विचो आए हो, वो किसी होर बीज दे विचो आए। दो तरह दे बीज, दो तरह दे वृक्ष। अदन दे बाग दे विच एक वृक्ष सीगा भले बुरे दा, एक वृक्ष सीगा जीवन दा। और खुदा दा वचन कहिंदा जीवन दे वृक्ष तो खाओगे ते जीवन पाओगे, भले बुरे दे वृक्ष तो खाओगे ते मारे जाओगे। ते जेड़ा मनुख भले बुरे दे वृक्ष तो खांदा आ वो साफ पता लगता कि वह शैतान की वंश है, खुदा के लोग नहीं है। लेकिन जेड़ा बंदा खुदा का आया वो खुदा के वचन से आमीन बोलूगा, उन्हें कहना प्रभु जी जिन्ना मर्जी विरोध हो मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। नूह का विरोध होया, 120 साल उन्हें प्रचार किया लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं की। इब्राहिम का विरोध होया, उन्हें किसी की परवाह नहीं की। यूसुफ का विरोध होया, उन्हें किसी की परवाह नहीं की। उहदे भरावां ने उहदे जेल दे विच रहिंदे होए लोकां ने ताने बाणे मारे, वड्डा दर्शी सी तूं तां हुण बचा अपने आप नूं। लेकिन उह धीरज ताई दे नाल उस दुखां दर्दां नूं सहिंदा होया, 17 साल दी उम्र च बंदी ग्रह दे विच गिआ, 30 साल तों बाद 30 साल दी उम्र चों बाहर आया, मतलब 13 साल उहने बंदी ग्रह दे विच कढे धीरज ताई दे नाल, क्योंकि उहनूं पता सी मेरा छडाउण वाला जिउंदा है। उसे छड़ाउण वाले ने जो उन्हें दर्शन दिखाया सीगा उस दर्शन को पूरा किया। इस करके मैं तुम दसना चाहना विरोध हुंदा सी, हुंदा है ते हुंदा रहेगा जदों तक दुल्हन इस धरती तो उठाई नहीं जाती। इस करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये विरोध के विचों हमेशा ही तुसी निकल के जाना। आओ कढ़ांगे दूसरा तिमोथियुस 3 दी है, दूसरा तिमोथियुस 3 दी है। और देखो बाइबल दे विच भी लिखिया आया आखरी समय लिखिया आया भैड़े समय आते उन्हां दे लई तैयारी। खुदा अपने लोकां नूं तैयार करता है, सिखांदा है भी जंग दे मैदान च तां तुसीं उतर गए हो, हुण लड़ना कितना है। जंग दे मैदान च उतरन दे नाल भी कोई योद्धा नहीं बणदा जदों तक उहनूं लड़ना ना आवे। इस करके खुदा कहिंदा परे जान छड्डो भई अंत दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे, क्यों जो मनुख आप स्वार्थी माया दे लोभी शेखीबाज हंकारी कुफड़ पकड़ वाले मापिया दे अणआज्ञाकारी ना शुकरे अपवित्र निर्मोह पत्थर दी पराई निंदिया करन वाले असंजमी करड़े नेकी दे वैरी नमक हराम काले घमंडी परमेश्वर दे नहीं सगो भोग विलास दे प्रेमी होणगे, भगती का रूप धार के भी वह शक्ति दे इनकारी होणगे। हुण भगती का रूप तो धारिया आ लेकिन उहदी शक्ति दे इनकारी आ कौन? कैन दी वंश, शैतान दे लोक जिहदी गल हो रही आ। भगती का रूप धारण दे नाल कोई भगत नहीं बण जांदा जदों तक गुण प्रगट ना होण, उहदे विच फल प्रगट ना होण। इहनां तों परे रहो, खुदा दा वचन कहिंदा सावधान रहना, इहनां लोकां तों परे रहना आ। जो खुदा का वचन आ खुदा के वचन वाल वेखना, संसार च की चलता वह किसने नहीं वेखना। हुण अगे 12 च लिखिया आ हाँ सबे जिन्हें मसीह यीशु विच भगती नाल उम्र कटनी चाहते हैं सो सताए जाणगे। हुण लोग कहते असीं खुदा च आ गए सानूं तां कोई सताव नहीं है, लेकिन बाइबल की कह रही है? बाइबल नूं कोई नहीं कट सकता। बाइबल कह रही आ दूजा तिमोथियुस 3 दी 12 च लिखिया हाँ सबे जिन्हें मसीह यीशु विच भगती नाल उम्र कटनी चाहते हैं सो सताए जाणगे। उह सताए जांदे क्योंकि युद्ध के मैदान च सताव हुंदा है,
योग के मैदान च सताव रहा है, पर दुष्ट मनुख अते छलिए धोखा देंदे अते धोखा खांदे बुरे तो बुरे हुंदे जाणगे। पर तू उन्हां गल्लां उत्ते जिहड़ियां मैं तैनूं जिहड़ियां तैं सिखियां अते सत मन्नियां टिकिया रही, उह कहिंदा जिहड़ियां गल्लां ते तुसीं सत मन्निया आ उत्ते टिके रहिणा आ। संसार दे विच की हो रहा, किन्ना क तुहाडा विरोध हो रहा, घर परिवार दे विच उह चीज़ां वल नहीं वेखणा, उन्हां रुकावटां परेशानियां वल नहीं वेखणा, क्योंकि इह शुरू तो ही हुंदा आ रहा है। योद्धा बंदा ता ही बनता जे वह लड़ाई के मैदान च लड़ता है, जे वह मैदान छड़ के भज जाए वह योद्धा नहीं हुंदा। योद्धा वह हुंदा जेड़ा आखिरी साह तक लड़ता है, जिन्ना मर्जी विरोध होवे, कितना दी भी कंडीशन तुहाडे सामने आवे, लड़ते ही रहना तुसी हमेशा विरोध का सामने करते रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया है मैं तुहाडे नाल हां, सदैव तुहाडे नाल रहांगा। जदों कोई अपने चेलिया के कोलों जा रहा उन्हें कहा डरना नहीं, एक सहायक मैं तुहाडे लई भेज रहा है जो पवित्र आत्मा है, ते अज उही सहायक अपनी दुल्हन की अगवाई कर रहा, उही सहायक अपनी दुल्हन की अगवाई कर रहा है। इस करके कदे भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जो खुदा का वचन कहता उते आमीन बोली जाओ, खुदा के वचन को पहल देंदे रहो। जो असी खुदा के वचन को पहल नहीं दिते, जो असी संसार को पहल दिने उदो शैतान को पता लग जाता कि हुणे मेरे हत्थां च आना शुरू हो गया। इस करके हमेशा खुदा के कम्मां को पहल दो। खुदा का वचन कहता तन मन ते धन दे नाल उहदी उपासना करो, समर्पित हिरदे दे नाल उहदी उपासना करो। इस करके हमेशा खुदा के कम्मां को पहल देना ताकि शैतान को पता लग जाए भी यह यीशु मसीह का रिश्तेदार आ, एक खुदा की बेटी आ, एक खुदा का बेटा आ, एक खुदा के कम्मां को पहल दिंदे आ। लेकिन जे कोई मनुख खुदा के कम्मां को पहल नहीं दिंदा तो अपने आप को दिखाता भी मैं आत्मिक हाँ, वह मनुख आत्मिक नहीं हो सकता। आत्मिक उही है जिहड़ा खुदा के कम्मां को पहल दिंदा आ, पवित्र आत्मा दे चलाए चलता आ, उही मनुख आत्मिक आ, बाकी कोई भी आत्मिक नहीं। इस करके जो वचन कहता है असी वचन के अनुसार ही देखना है, वचन के अनुसार ही चलना है। और असी पढ़ते हाँ किस तरह विरोध होया इस्तेफान का, इस्तेफान का विरोध किता होया किता, इस्तेफान खुदा दे विच चलन वाला मनुख सीगा, ते जो उन्हें उन्हों फड़िया गया ते उन्हें की किया पवित्र आत्मा ना भर के की किया लोगों नू हंगा रहे, किहड़े लोग उत्थे उही लोग सी जिन्हां ने वचन अपने हाथ से फड़िया होया सीगा, जिहड़े कहिंदे सी असी कानून दे वचन दे लिखारी, वचन दे असी दसण वाले हाँ, असी वचन दे मनण वाले हाँ। वो लोगों को की कह रहे हैं इस्तेफान, वो कहिंदा रसूलों के करतब 7:51 विच लिखिया आ, रसूलों के करतब 7:51 विच लिखिया आ, हे हटी अते मन अते कन दे बेसुनती लोको, तुसी सदा पवित्र आत्मा का सामना करते आए हो। हुण कौन उहदे बंदरों बोल रहा, पवित्र आत्मा उहदे अंदरों बोल रहा, कहिंदा सदा, सदा मतलब शुरुआत तो ही पवित्र आत्मा का विरोध कौन कर रहा है, शैतानी लोग, जिवें तुहाडे प्यो दादिया ने किया तेहा तुसा भी करते, इन्हां दे प्यो दादिया ने भी इस तरह किया। सताव लैके आए हमेशा खुदा दे लोकां दे, जिवें तुसी भी करते आए हो। नबियां विचों किस नूं तुहाडे प्यो दादिया ने नहीं सताया, सगो उन्होंने उस नूं धर्मी दे आउण दी खबर देण वालियां नूं भी वड सुटिया, जिस दे हुण तुसी फड़ाउण वाले हो, यूहन्ना नूं वड सुटिया उन्होंने, जिन्हें खबर दी भी यीशु मसीह आ रहा है, कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तौबा दे नाल बपतिस्मा दिना जल दे नाल, लेकिन मेरे मगरों एक आउंदा है जो तुम्हें पवित्र आत्मा ते अग दे नाल बपतिस्मा दूंगा, उन्हें खुदा की खबर दी, उन्होंने भी मार चुकया। तुसा शरा नूं जिही दूतां दे राही ठहराई गई सी पाया, पर उसकी पालना ना की। शरा वचन लिखा गया सी, दसिया गया सी, लेकिन लोगों ने पालना नहीं की, कि कहिंदे अपने आप नूं आत्मिक, अज भी इसे तरह है, जिस युग दे विच असीं रह रहे हां इस युग दे विच भी इसे ही तरह है। जदों तुसीं सच दा प्रचार करोगे लोग तुहाडे खिलाफ खड़े होणगे, इह सच्चाई आ, उहनां ने तुहाडे खिलाफ खड़े ही होणा। इहनां गल सुणदे ही उहनां दे मन सड़ गए अते उहनां ने दंद पीण लगे, पर उसने पवित्र आत्मा नाल भरपूर हो के आकाश दे वल नज़र लाई हुई परमेश्वर दा तेज अते यीशु नूं परमेश्वर दे सज्जे हथ खड़ा वेख्या अते कहा, वेखो मैं आकाश नूं खुल्ला अते मनुख दे पुत्तर नूं परमेश्वर दे सज्जे हथ खड़ा वेखदा हां। पर उहनां ने उच्ची आवाज नाल डट पा के अपने कन्न बंद कीते अते मन एक मन हो के उसदे उपर टुट पए, उसनूं बाहर कढ के
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸਤਫਾਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕੈਨ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੈਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੈਨ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ।